गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अवर फर्दर टॉपिक इन चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट लेक्चर में हमने एयर के बारे में पढ़ा था, आज हमारा उसमें ही नेक्स्ट टॉपिक है द मूवमेंट ऑफ एयर। अगर एयर की मूवमेंट हो तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, विंड जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल में दिया है। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीज आफ्टर अ हॉट डे एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डे ऑफ रियली हॉट वेदर। जब आपका बहुत ज़्यादा हॉट वेदर हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, बारिश होगी। तो जनरली हमारे समर जो सीज़न आता है उसके बाद आपका मॉनसून सीज़न आता है, ओके। तो जनरली जब हॉट वेदर होता है, अगर आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत हॉट जा रहा है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि रेन आए, ओके। सो व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड व्हाट डिसाइड वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग विंड और अ टेरिबल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सब चेंज किसकी वजह से हो रहा है वो दिया है। तो मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से चेंज तो आएगा, लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ एयर में थोड़ा डिफरेंस आया तो क्या क्या हो सकता है, या तो फिर वो ब्रीज होगा, मतलब कि ब्रीज होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा, या फिर टेरिबल स्टॉर्म होगा। तो जनरली आपको पता है कि हमारे कुछ कंट्री में ऐसा है कि वहाँ पे आइस ही गिरता है, बर्फ़ ही गिरती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती, बारिश गिरती है, ओके। तो जनरली ये सब विंड पे डिपेंड करेगा, मूवमेंट ऑफ विंड पे डिपेंड करेगा, ओके। सो ऑल दिस फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंज दैट टेक प्लेस इन आवर एटमोसफियर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। ये सब जो रिजल्ट है, ब्रीज होना, स्ट्रॉन्ग विंड आना, या फिर रेन आना, या फिर स्ट्रॉम आना, क्या आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ एयर पे डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेयर में ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर जो है वो हीट करती है, हीट की वजह से उसका उसके बाद उसका वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, उसके बाद क्लाउड का बनना, रेन का आना, ये सब डिपेंड करता है आपका हीटिंग इफेक्ट पे, ओके। आपका जो सनलाइट आता है उसकी वजह से आप कितना ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर कितना अप जा रहा है, उस पर वो डिपेंड करता है। वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे वाटर वेपर किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज जो होती है, जो पानी में रहते हैं, उसकी वजह से। तो उनका हीटिंग होना, उसकी वजह से वाटर वेपर जनरेट होता है। द एटमोसफियर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाई द रेडिएशन दैट द रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाई द लैंड और वाटर बॉडीज। यहाँ पे एटमोसफियर में हीट कहाँ से आ रहा है कि क्योंकि सनलाइट से जो रेडिएशन आ रहा है, सनलाइट जो आ रही है उसमें जनरली वो रेडिएशन ही है एक टाइप का। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वो वाटर पे गिर रहा है तो उसके अंदर वहाँ पे क्या जाएगा, अंदर जाके वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा वापस से। तो वहाँ पे अंदर जो वाटर बॉडीज है उनके थ्रू भी क्या होगा, वाटर वेपर जनरेट होगा। ऑन बींग हीटेड कन्वेक्शन करंट आर सेटअप इन द एयर इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर कन्वेक्शन करंट लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाया है, ओके। प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर और वाइड माउंटेड बॉटल एंड लाइट इट। क्या करना है, एक आपको कैंडल लेना है और उसको बीकर में रख के उसको जलाना है, ओके। लाइट एंड इंसेंस स्टिक एंड टेक इट टू द माउथ ऑफ द अबो बॉटल। क्या करना है, इंसेंस स्टिक एक जलाना है, इंस्टेंट स्टिक मतलब कि अगरबत्ती जो आपका होता है, गुजराती में अगरबत्ती बोलते हैं, उसको जला के आपका जो बीकर में जो आपने कैंडल रखी है उसके ऊपर उसको होल्ड करना है, ओके। व्हिच वाई डज द स्मोक फ्लू व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप्ट नियर द एज ऑफ द माउथ। व्हिच वाई डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप्ट अ लिटल अबोव द कैंडल। व्हिच Where does the smoke flow when the incense stick is kept in other region? यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन मूवमेंट दी है। अगर आप ऊपर रख रहे हो बीकर के ऊपर, एकदम कैंडल के ऊपर, तो वहाँ पे स्मोक का फ्लो कैसा होगा। उसके बाद आप थोड़ा उसके पास लेके जाओ कैंडल के ऊपर, जहाँ पे वो उसका फायर जल रहा है उसके ऊपर, तो वहाँ पे फ्लो कैसा होगा। अगर वो रीजन से हटा के बाहर रख दो तो वहाँ पे फ्लो ऑफ स्मोक कैसा होगा वो आपको फाइंड करना है। सो द पेरेंट्स रिवील्ड बाय द स्मोक सो अस अ डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। जनरली
स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ पे हॉट टू कोल्ड एयर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्मोक क्या करेगा, मूवमेंट करेगा. ओके, इन अ सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर. यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर कैसे हीट होती है, रेडिएशन के वजह से हीट होती है. तो जनरली जब सनलाइट गिरेगी तो क्या होगा, लैंड एंड वाटर बोथ आर हीटेड, मतलब कि दोनों क्या होगा, गर्म होगा रेडिएशन की वजह से. इट इज़ राइजेज बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. लेकिन आपको पता है कि वाटर से ज़्यादा जल्दी लैंड जो होती है वो गर्म हो जाती है. द एयर ओवर लैंड वुड ऑल्सो भी हीटेड फास्टर, इसीलिए लैंड के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी जल्दी से हीट हो जाएंगे. ओके, देन द एयर ओवर वाटर बॉडीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद वो गर्म हो गई तो वो कहाँ जाएगी, वाटर बॉडीज, वाटर जो है उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही आपको दी है कि आपकी जो डायरेक्शन होगी स्मोक की या किसी की भी, वो किस डायरेक्शन में होगा, कि आपका जो एयर है वो हॉट टू कोल्ड मूव करेगा. ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है, हॉट टू कोल्ड वो मूव करेगा. इफ़ वी टू कैट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, द एयर अबाउट द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग. एज दिस एयर राइजेज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एंड एयर ओवर अ सीज मूव इन टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली लैंड पे क्या होगा, लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी तो उसके ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी हीट हो जाएंगे, उसकी वजह से वो राइजिंग अप होने लगेंगे, मतलब ऊपर जाने लगेंगे. एट दिस एयर राइजेज अ रीजन ऑफ लो, जैसे ही ऊपर जाएगा ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा. ओके, एयर ओवर द सी, किस पे, सी के ऊपर वो लो प्रेशर क्रिएट करेगा एंड मूव इन टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड, इसका लो प्रेशर इस रीजन से उस रीजन में जाना, लैंड से सी तक जाना, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से विंड क्या होती है, क्रिएट होती है. ड्यूरिंग द डे डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी द फॉर्म, ड्यूरिंग द डे डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड. डे जब आपका होता है, डे टाइम होता है, तब क्या होता है, विंड की डायरेक्शन होती है सी से लैंड की तरफ. ओके, और रात में जब क्या होता है, रात में उल्टा हो जाता है, सी से लैंड की तरफ सुबह क्या होता है, सी से लैंड की तरफ डायरेक्शन होता है विंड का, जबकि नाइट में लैंड से सी तरफ डायरेक्शन होगा विंड का. ओके, एट नाइट बोथ लैंड एंड सी आर स्टार्ट कूल, जब रात हो जाएगी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो लैंड एंड सी बोथ आर कूल डाउन. ओके, वो दोनों ठंडे, टेम्परेचर डाउन होने में, टेम्परेचर उसका डाउन होने लगेगा. सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, द एयर अबोव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबोव लैंड. यहाँ पे क्या होगा, वाटर क्या है, स्लोली क्या होगा, कूल डाउन होगा, जबकि आपका लैंड हो जल्दी कूल हो जाएगा. तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो, वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, एयर अबोव वाटर वुड बी वार्मर. हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू लैंड के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल है उसके कंपेयर में. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन व्हाट कैन यू से दैट. यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली ऑल मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमोस्फियरिक फिनोमिना आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमोस्फियर इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ. ये जो हीटिंग का प्रोसेस है उसकी वजह से डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरीके से विंड का डायरेक्शन होगा या विंड क्रिएट होगी. सो बट वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस विंड. विंड के लिए और भी फैक्टर है जो विंड उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है कि अर्थ का रोटेशन कैसा है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ ऑफ द विंड आर कपल ऑफ दिस फैक्टर. अगर विंड की डायरेक्शन है उसमें बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो विंड की डायरेक्शन क्या होगी, तो माउंटेन्स जो होते हैं जो उसके लिए ऑब्स्टेकल है, उसके लिए क्या है, बीच में एक आया हुआ ऑब्स्टेकल है, मतलब कि अवरोध है, ऐसा आप बोल सकते हो. तो जनरली अगर वो पाथ में आ जाए तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसका पाथ चेंज हो सकता है. तो जनरली यही आपको इसमें दिया है. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.